वैसे तो कोरोना महामारी के इस दौर में हर आम और खास बेहाल है। जिंदगी बस सरकार और सरकारी तंत्र के भरोसे चल रही है। सरकार और सरकारी तंत्र जो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लोग उसी के सहारे अपनी जीवन नैया पार लगाने की जुगत में हैं। इधर देश में कोरोना का दूसरा वेव शुरू हो चुका है, जहां अभी सबसे ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार आम लोगों के जीवन को पटरी पर लाने को लेकर धीरे धीरे सभी गतिविधियों को सामान्य करने में जुट गई है। वहीं हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, जहां सरकार के गाइडलाइन के तहत इस साल पूजा आयोजित होना है। वैसे तो इस साल पूजा में कोई तामझाम नहीं होना है, लेकिन दुर्गा पूजा के भरोसे साल भर आस लगाए बैठे मूर्तिकारों की दशा काफी बेहाल है। हर साल जहां मूर्तिकार एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाकर साल भर की जीविका का संसाधन जुटाते थे, वहीं इस साल पाबंदियों के बीच 4 से 4.5 फीट की मूर्तियां ही बनानी है। एक तरफ मान्यता यह है कि विषम अंकों के मूर्ति की संख्या को शुभ माना जाता है, दूसरी तरफ सरकार 4 से 4.5 फीट की मूर्ति बनाने का गाइडलाइन जारी करती है। इसको लेकर सनातन धर्म मानने वालों में नाराजगी भी देखी जा रही है, जहां इन्होंने सरकार से अपने आदेश में बदलाव किए जाने की मांग की है। वहीं सरकारी आदेश आने के बाद मूर्तिकार असमंजस में है। इनका कहना है कि एक तो पहले से ही कम ऑर्डर और मजदूरों की कमी का मार झेल रहे हैं, ऊपर से सरकारी आदेश से जो ऑर्डर मिले हैं उसे अगर मान लेते हैं तो सभी मूर्तियां बेकार हो जाएंगी। आपको बता दें कि मूर्तियां मिट्टी के बनते हैं, जिन्हें सूखने में करीब 2 महीने का वक्त लगता है। सरकारी आदेश 1 सप्ताह पहले आया है। ऐसे में मूर्तिकारों के समक्ष एक तरफ सरकारी आदेश न मानने का आरोप लगने का खतरा, तो दूसरी तरफ बनाकर रखे गए मूर्तियों के ऑर्डर कैंसिल होने का खतरा मंडराने लगा है। यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। चलिए आपको सुनाते हैं जमशेदपुर के मूर्तिकारों का दर्द। जैसे जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से नहीं हो रहा इस साल पूजा, और जैसे हम लोग का काम भी ज़्यादा होता था, 6 महीना 7 महीना काम होता था, अभी 15 दिन 20 दिन का अंदर है कंप्लीट करना पड़ रहा है। उस हिसाब से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा, जैसे हम लोग का रोज़गार भी कम हो जा रहा है और धीरे धीरे ऑर्डर भी हम लोग को कम मिला है। उस हिसाब से लिया जा रहा है कि जिस हिसाब से हम लोग कंप्लीट देने सकेंगे उस हिसाब से लिया जा रहा है। और एक तो बात है कि पहले तो हम लोग उस अंदाज से नहीं बनाए थे कि किस अंदाज से मूर्ति बनेगा नहीं बनेगा, तो फिर बाद में पता चला कि नहीं 4 फीट 5 फीट का मूर्ति बनेगा, तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। नुकसान तो बहुत ही हुआ, वो तो अभी तो नहीं बता सकते हैं कि कितना हुआ है बोल के। जैसे हम लोग को दुकान में 40 मूर्ति बनता है, उस हिसाब से इस बार 18 मूर्ति बनाए हैं। जैसे ऐसे में तो देखिए सोचिए कि बाहर से हम लोग का लोग आता है, कारीगर जो है कारीगर बाहर से आता है कलकत्ता से। इस बार गाड़ी का चक्कर में लॉकडाउन में ऐसा हो गया है कि कारीगर भी बाहर से नहीं लाने सके, उस हिसाब से हम लोग का काम करना पड़ रहा है। दिन रात मेहनत करके ये सब काम जो है ये सब निकालना पड़ रहा है। नहीं 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 होगा, नहीं हो पाएगा। वही अभी आगे कैसे चलेगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है कैसे चलेगा। अब तो सब मूर्ति छोटा छोटा मूर्ति ही बनेगा, 4 फीट से मुश्किल से 5 फीट से ज़्यादा नहीं बनने का है। ऑर्डर मोटा मोटी हमको 25 करीब मिला। नुकसान तो बहुत ही नुकसान है ना, अब क्या करा जाए, प्रशासन के अनुसार तो हम लोग का चलने पड़ेगा। सुना आपने, वाकई कोरोना महामारी ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में सरकार को भी नियम कानून बनाने से पहले जमीनी परेशानियों को समझने की जरूरत है। वैसे विश्व हिंदू परिषद और जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी ने सरकार से ऐसे मामलों पर धर्माचार्यों से परामर्श लेकर ही नियम कानून बनाए जाने की बात कही है। वहीं इन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस मामले को लेकर वे जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे। देखिए गाइडलाइन जो है उसको अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो उसमें है कि 4 फुट तक मूर्ति रहेगी। सरकार ने यह नहीं बताया, आप 3 फुट का भी रख सकते हैं। लेकिन सर मेरा सरकार से ये अनुरोध है और आपके माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि गाइडलाइन 1 तारीख को आया और दुर्गा पूजा 17 तारीख से शुरू है। 17 दिन में दुर्गा पूजा की मूर्ति नहीं बन सकती है और लोगों को उम्मीद था कि माँ दुर्गा के इच्छा से दुर्गा पूजा का परमिशन मिलेगा, इसलिए 2 महीना पहले से मूर्तियां बननी शुरू हो गई। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री से मिलेगी और इस बात से अवगत कराएगी
कि मिट्टी की मूर्ति बनती है और वो 2 महीना पहले से बनती है। जो मूर्ति बन गया है इस साल उस मूर्ति को रेगुलाइज किया जाए, नहीं तो विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी और मूर्ति आपके गाइडलाइंस को लोग नहीं पालन कर पाएंगे, जिससे ये अच्छा नहीं संदेश जाएगा कि सरकार के नियमों का लोग उल्लंघन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूजा भी हो, सरकार के नियमों का पालन भी हो, इसलिए सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो मूर्तियाँ बन गई हैं उसको पूजा करने का। हिंदू धर्म के हिसाब से कोई भी मूर्ति जो होगा ना विषम में होगा, यानी जोड़ में नहीं बिजोड़ में होगा, 1 फुट होगा, 3 फुट होगा, 5 फुट होगा, 7 फुट होगा। तो लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कहा, सरकार तो कहा है कि 4 फुट, आप 3 फुट रख लीजिए। इसलिए सरकार को लेकिन जब भी गाइडलाइन जारी करना चाहिए धर्म संबंधित, तो किसी न किसी धर्माचार से बात करना चाहिए, क्योंकि धर्म के संबंधित आप गाइडलाइन जारी कर रहे हैं तो धर्माचार से बात करिए। हड़बड़ी में किया गया गाइडलाइन है, इसलिए सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे, रांची के लोग भी इस बात को लेकर सरकार से मिलने वाले हैं और हम लोग भी 1 से 2 दिन में सरकार से मिलकर इस सब चीज़ों को दूर करा देंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड की रिपोर्ट।